नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चेन्नई के महाबलीपुरम में आज मिलने जा रहे हैं। तमिलनाडु राज्य में समुद्र किनारे स्थित इस ऐतिहासिक महत्व वाली जगह पर दुनिया के दो बड़े नेता मिलेंगे। जी हां, शी जिनपिंग 11 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक भारत की यात्रा में रहेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार को दूसरी अनौपचारिक बैठक के लिए चेन्नई आ रहे हैं। उनके भारत दौरे से पहले चीनी मीडिया ने भारत के साथ दोस्ती को अहम बताया है। चीनी मीडिया का कहना है कि दोनों देश मिलकर ही 21वीं सदी को एशिया बना सकते हैं। चीन के सरकारी अखबार का कहना है कि पिछले कुछ समय से एशिया की सदी की बात चल रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर कश्मीर राग अलपना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कश्मीर मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के रुख पर निराशा जाहिर करते हुए इमरान खान ने यह भी कहा कि हांगकांग के विरोध प्रदर्शन को हेडलाइंस बनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कश्मीर जैसे गंभीर संकट को नजरअंदाज कर रहा है। कश्मीर मसले को लेकर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला पाकिस्तान का एक अलग ही रूप सामने आया है। जी हां, भारत पर लगातार हमला करने वाले पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने गुरुवार को रफेल की शस्त्र पूजा को लेकर भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बचाव किया और बचाव में ये कहा कि पूजा में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि यह धर्म संकट है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार पर वादा न करने का आरोप लगाया है। भीड़ में एक रैली के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अभी सभी किसानों के कर्ज माफी नहीं की गई है, सिर्फ 50,000 रुपए का कर्ज माफ किया गया है, जबकि हमने 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वायदा किया था। 2 लाख रुपए तक के किसान कर्ज को माफ किया जाना चाहिए। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर के 30 ठिकानों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। जी हां, पहले दिन के छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने 4.52 करोड़ रुपए बरामद किए। बेंगलुरु में सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज के परिसर में आज आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। यह मेडिकल कॉलेज जी परमेश्वर से संबंधित ट्रस्ट के जरिए चलता है। इसके अलावा जी परमेश्वर के भाई के बेटे के घर भी आज छापेमारी होगी। प्रसिद्ध सेक्सोफोनिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कादरी गोपालनाथ का कर्नाटक के मैंगलुरु में निधन हो गया। 69 वर्षीय कादरी गोपालनाथ का अंतिम संस्कार उनके बेटे की वतन वापसी के बाद होगा। जी हां, कादरी गोपालनाथ का बेटा कुवैत में रहता है जो शुक्रवार शाम तक भारत आएगा। कादरी गोपालनाथ को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और कर्नाटक कलश्री समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र में बच्चों के अधिकार पर गुरुवार को बहस हुई जिसमें भारत ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। जी हां, भारत की ओर से पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर में बच्चों को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में फर्स्ट सेक्रेटरी पौलमी त्रिपाठी ने पाकिस्तान को फेक एजेंडा उजागर किया है। ईरान और सऊदी अरब के बीच जारी जंग ने अब एक नया रूप ले लिया है। जी हां, शुक्रवार को सऊदी अरब के ताटिया इलाके के पास ईरान के एक ऑयल टैंकर में बड़ा धमाका हुआ है। ये धमाका सऊदी के शहर जेदाह के पास हुआ है। धमाका किस तरह हुआ है अभी इसकी वजह सामने नहीं आई है। कप्तान विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर का 26वां शतक जड़ दिया है। जी हां, कोहली ने अपने 81 टेस्ट मैच की 138 पारी में अपना 26वां शतक लगाया। कोहली टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे कम पारियों में 26वें शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर आ गए हैं। जी हां, भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर ने 136 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था। वहीं सुनील गावस्कर ने 144 पारियों में 26वें टेस्ट सेंचुरी लगाई थी। प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर स्टार फिल्म दी स्काई इज पिंक आज से सभी सिनेमा घर में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को लेकर सभी के बीच काफी उत्साह था और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है तो फैंस इसके लिए अपना प्यार खूब जता रहे हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज यानी 11 अक्टूबर को जन्मदिन है। अमिताभ की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। गुजरात के सूरत में रहने वाले दिवेश कुंभात नायक युवक भी अमिताभ बच्चन के मुरीद हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के अवसर पर कविता तैयार की। यही नहीं, दिवेश कुंभात ने अब तक अमिताभ बच्चन के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अलग अलग प्रकार के तकरीबन 7,000 फोटो इकट्ठी की है।
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ इंडिया।